एक पोस्ट में लिखा है, जस्ट थ्री पोस्ट अभी जो डाले हैं उसमें से एक था कि सो मार्केट इज लुकिंग प्रिटी बुलिश टू मी, जो हर सिस्टम में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे आप गैन कर रहे हो, चाहे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, मीन रिवर्टिंग कर रहे हो, चाहे नंबर से खेल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये रूल्स यूनिवर्सल होते हैं। ये रूल्स आपको कहीं ना कहीं एज देते हैं, ये रूल्स आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव नेम्ड देम एज इंक्रीजिंग ट्रेडिंग क्वोशन्ट। पार्ट टू, एक फिल्म आई थी जिसका पार्ट वन था ही नहीं, सीधे पार्ट टू नाम था, याद है किसी को? एक फिल्म आई थी जिसका पार्ट वन नहीं था, नाम में ही पार्ट टू था। क्रिश पार्ट टू? नहीं 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 हाँ, याद है किसी को? सो देयर वाज नो पार्ट वन, पार्ट टू ही था सीधा, नाम में ही था। वैसा भी होता है पार्ट टू, टूटा टूटा एक परिंदा उसी का गाना है कैलाश के गाना। तो इसमें पार्ट वन था, मैंने क्यों बोला कि मैं उसका एप्लीकेशन भी पूछूंगा, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नथिंग टू डिस्कस हियर। हाँ जी बताइए, पोर्टफोलियो ब्रेड कितने लोगों ने नोटिस किया अपने उसका, कि भाई मेरे जो एडवांसेस और डिक्लाइंस हो रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में, डू दे गिव मी एनी सिग्नल, डू दे सेंड मी अ सिग्नल, डू दे हेल्प मी आउट, किसी ने किया नोटिस? विमल भाई, कमल, विमल को अगर चॉकलेट बची है कि खत्म हो गई? हाँ तो बस लास्ट वन। सो इतने बड़े हॉल में 150 अटेंडीज हैं, उसमें से एक आदमी पोर्टफोलियो ब्रेड देखा, जबकि पोर्टफोलियो के स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है आपको फॉलो करने के लिए। रिपीटिंग अगेन स्टार्ट कर देते हैं, सेकेंड एवरेजिंग उसका स्किप करते हैं, इलिक्विडिटी ट्रैप इसको भी स्किप करें, इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन कमल ने किया था, तो एक चॉकलेट खा लेना मेरी तरफ से, वो बता दो कमल क्या हुआ था इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन में, एक मिनट के लिए शेयर करो क्या हुआ था इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन। मेरा सर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में प्रॉब्लम रहता था कि मैंने जब आपसे बात की तो इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन आपने उस टाइम पे भी बोला कि बैंक निफ्टी और इसके साथ चलो, तो जब मैंने एक्चुअल में उसे थोड़ा सा बैक टेस्ट किया पिछले 6 साल के डाटा पे, तो दोनों के एक आधा समटाइम्स होता है 1 घंटे के डिफरेंस पे ट्रेड आ रहा है, निफ्टी में सेलिंग अभी आ गई है और बैंक निफ्टी में 1 घंटे बाद आ रही है, समटाइम होता है 1 दिन बाद आती है, तब तक क्या रहती है निफ्टी रुकी रहती है बैंक निफ्टी के लिए, है ना। लेकिन जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड आएगा विद निफ्टी, वो अच्छा मूव आएगा, जैसे 41,829 25 उस टाइम तक बैंक निफ्टी भी उसमें भी और निफ्टी की आप टॉप देखेंगे अलग रेट है, बैंक निफ्टी की अलग है, 4-5 दिन दोनों ने रुके रहे हैं एक दूसरे के लिए। Also the basic tenet of Dow, right. The two averages should confirm each other. इस केस में स्टॉक बैंक निफ्टी है और इंडेक्स निफ्टी है, आपका स्टॉक कुछ भी हो सकता है, आपका इंडेक्स भी कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड देयर शुड सिंक्रोनाइज, इफ देयर सिंक्रोनाइज द चांसेस ऑफ सक्सेस आर बेटर। इक्विटी कर्व नथिंग टू ट्रेड ऑफ अपन छोड़ देते हैं, ओके, ऑल द नोविस ट्रेडर्स और प्रोबेबली नॉट सो एडवांस ट्रेडर्स फोकस ऑन रिस्क रिवॉर्ड, लेट मी बी वेरी क्लियर, इस पर भी अपनी शशांक का कई बार बात हुई है, स्टार्ट फोकसिंग लेस ऑन रिस्क रिवॉर्ड मोर ऑन प्रोबेबिलिटी। मैं उसमें शशांक सर ने जो ग्राफ दिया था मैंने बताया था लास्ट टाइम, वो मैंने डाला भी था, बुल रन आ रहा है एड से बढ़ गया कोट मैंने नहीं डाला, उससे मार्केट रिजल्ट्स के इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक इफ यू हैव अ बुलिश ओपिनियन अबाउट द मार्केट्स व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड यू डू, सो बोले इफ आई हैव अ बुलिश ओपिनियन इन द मार्केट्स आई एम ऑलरेडी इन, आई डोंट वेट फॉर एनी सिग्नल और एनीथिंग, अगर मेरे उसमें है कि मैं बुलिश ओपिनियन है तो देन आई एम ऑलरेडी इन द मार्केट्स बिफोर एनीथिंग एल्स। सो द सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमको ऑल ऑफ अस हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रोबेबिलिटी जहां हाईएस्ट होगी वहां रिस्क रिवॉर्ड पुअर होंगे, अब वो मार्केट में 5% टाइम्स आती है, दोज आर वर्टिकल ब्रेकआउट सिनेरियोस, वर्टिकल ब्रेकआउट में कोई नहीं रहता है, कंसोलिडेशन में बहुत लोग मिलेंगे, रिट्रेसमेंट में मिलेंगे, वर्टिकल ब्रेकआउट में बाइज में बहुत कम होता है, क्योंकि आती बहुत फास्ट है, आपका एसएल दूर होता है, लॉजिकली एसएल दूर होगा ही, जैसे ही एसएल दूर हुआ रिस्क रिवॉर्ड का, आप मानिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इट कंटिन्यूइंग इज ड्रामेटिकली हायर, सो स्टार्ट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस। और उसमें अगेन आई रिपोर्ट फॉर अल्ब्रुक्स, तो उसमें अल्ब्रुक्स ने बोला कि यू हैव टू लुक फॉर रीजंस टू एंटर, दैट्स इट, पिछले बार का हाई का ब्रेक,
पिछले बार के हाई के, पिछले बार के बार के लो के ऊपर का क्लोज, जो भी व्हाटएवर एनी डैम रीजन टू एंटर ऑन द सेम साइड. अब इसमें अगर आप रिस्क रिवॉर्ड ढूंढेंगे तो देन हाउ विल यू लुक फॉर इट? अगर आप ढूंढेंगे तो यू विल एक्चुअली ट्राई टू शॉर्ट इट. लो रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो तो वही आने वाला है एंड दैट इज अ लूजर्स गेम. देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम. लेट मी बी वेरी क्लियर. तो रनिंग ट्रेन जब होती है ना, आपको उस ट्रेन में चढ़ जाना है एंड देन उसके बाद एसेस करना है कि कितने लोग चढ़े, कितना सामान किया, कि री एंट्री कैसे करेंगे. दैट इज द अनदर पॉइंट. बैक टेस्टिंग पैराडॉक्स छोड़ देते हैं, परफॉर्मेंस वेरियंस और नेशनल नेशनल क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, स्केल छोड़ देते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. 10 पॉइंट्स थे पिछली बार, उसमें से दो लोगों ने एक एक पॉइंट उठाया. सो दैट इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू डेवलप एंड इवॉल्व. इस बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स इस बार आएंगे. अगेन एप्लीकेबल टू ऑल योर सिस्टम्स इरेस्पेक्टिव. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने बुक्स या उससे डाटा लिया है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद से आरएनडी की, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिक्स हैं दोनों का. सो राउंड नंबर्स, सबको पता है बहुत ज्यादा रॉकेट साइंसेस में है. सो दिस इज एन आर्टिकल, राउंड नंबर बायसेस एंड इनफॉर्म ट्रेडिंग ग्लोबल मार्केट्स. ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं एंड आई पिक वन आर्टिकल. आई वेंट थ्रू दोज आर्टिकल्स. Collectively, these findings seem to suggest that informed investors strategically engage in still trading by leveraging round number biases of liquidity traders, which indirectly drives this anomaly in the stock markets, global markets. मैंने फिर इसको मैंने बोला let me test it out in Nifty what is happening. Round number का कोई bias हो रहा है क्या? So there is more than random मेरे को data मिला. There is some preponderance Nifty at least as per my findings. अब आप खुद जाके देखिएगा कि क्या round numbers पे highs lows बन रहे थे कि decimals में बन रहे थे, क्या हो रहा था. You will get few numbers which will be higher than random. So just based on my Nifty findings, this is my suggestion to you. Whenever you are placing an order in your stock or your index or your whatever you are trading in, बाइंग ऑर्डर्स अदर देन सपोर्ट टेक्निकल, वो सब आपको देखना ही है. उसके बाद जो प्लेस करेंगे आप, दे शुड बी अबव राउंड नंबर्स. बहुत कॉमन है ये, पता है सबको. स्टिल एक रिपीटिशन स्टैटिस्टिकली कर रहा हूँ, उसमें आप नंबर्स देखेंगे तो बहुत नंबर्स में कॉमनलिटी है. दिख रहा है आपको? मुझे जो निफ्टी में नंबर्स मिले थे बाइंग के डेसिमल्स में, मैंने वहीं तक का रेंज लिया. 0.35 के ऊपर नहीं है आप देखिए तीनों में, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द बॉटम्स इन निफ्टी वेयर राउंड नंबर्स और बिटवीन राउंड नंबर टू 0.35 डेसिमल्स, ठीक है. काफी ज्यादा था नंबर रैंडम से ज्यादा. सो हम 100 इज अ बिग राउंड नंबर. अगेन अप्लाइंग कॉमन सेंस, 100 इज अ बिग राउंड नंबर. 150 और सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई एम गोइंग टू ऑल दोस डिटेल्स. हमने उससे एक रुपये ऊपर लिया और उसमें भी अगर हमको बाइंग करनी है एग्जीक्यूशन के लिए तो देन दैट इज हाउ वी प्लेस अवर ऑर्डर्स एवरी टाइम. स्टार्ट डूइंग इट, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इट क्रिएट्स एन एज. सेलिंग ऑर्डर्स, ये इसमें क्या क्या होगा कोई सोच सकता है? अगर राउंड नंबर का बायस यहां नहीं, 98.9 So, अगर आपको सेलिंग करनी है, दिस इज द जोन वेयर यू प्लेस योर ऑर्डर्स. अगेन हमारे यहाँ आजकल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है और कई जगह, एंड आई ऑलवेज से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट विल नॉट मेक योर गुड रिप नी रिप्लेसमेंट सर्जन. इट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू बी गुड नी रिप्लेसमेंट सर्जन बिफोर हैंड. द रोबोटिक विल जस्ट इम्प्रूव दैट. ठीक है, इट विल नॉट मेक इट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ट्रेडिंग क्वेश्चन विल नॉट मेक यू अ गुड ट्रेडर. यू विल हैव टू हैव योर ओन सिस्टम्स आइडियाज एंड एग्जीक्यूशंस इन प्लेस. दिस विल ओनली गिव एन एडिशनल एज टू व्हाटएवर यू आर डूइंग. अच्छा,
कमल, माय मोस्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशंस डोंट हैव साइकोलॉजी, दे आर ऑल स्टैट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. वो नाम के लिए साइकोलॉजी ज्यादा यूज होता है, बट आई डोंट यूज साइकोलॉजी टू मच. दिस विल नॉट मेक अ लॉजिन सिस्टम व्हेन थिंक ऑफ इट इज एडिंग 0.1% टू योर स्कोर या व्हाट. 0.1% के हमारे फेवर में तो क्या बोला, एनी मनी इज गुड मनी. लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 2. हमने पोर्टफोलियो ब्रेड याद है पिछली बार की थी ना, सो थोड़ा सा उसका ब्रॉडर स्केल के इसमें बहुत अच्छी बुक है प्रशांत शाह की, वो हमारे मेंबर ही हैं, वो आ नहीं पाए ड्यू टू सम एंगेजमेंट, बट उसका मार्केट ब्रेड इंडिया में सबसे एक्सटेंसिवली उसने कवर किया है. इस बार प्लान था कि कुछ ऐसे करेंगे पर नहीं हो पाया फॉर व्हाटएवर रीजन. सो दिस इज फ्रॉम दिस ब्लॉग. ये ब्लॉग बहुत अच्छा है, इसमें इंडिया के मार्केट ब्रेड इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे से उसने बैक टेस्ट करके एक्सप्लेन किया है कि क्या हो रहा है. मार्केट ब्रेड कैन मेक यू अ बेटर ट्रेडर. मार्केट ब्रेड क्या है पहले पूछा किसी से, मैक्रोस व्हाट इज मार्केट ब्रेड. एनीबॉडी व्हाट इज मार्केट ब्रेड, एडवांसिंग टू डिक्लाइनिंग वन, और क्या क्या है. सो दैट इज वन वे, सो नंबर ऑफ एडवांसिंग अपॉन नंबर ऑफ डिक्लाइन. Amount up volume by down volume, something of that sort. That is also market price indicator. And 52 week low, 52 week high. Absolutely, it's very significant. So number of stocks trading at high versus number of stocks trading at low. Yes. So market price is nothing. Essentially, what we are trying to differentiate in this is what is the inherent strength in whatever price movement. What is the characteristic of? इसमें मैं लिख नहीं पाया, मैं जरूर बताऊंगा इसमें क्या है, मैजिक क्या है. एंड दैट मैजिक वॉज पार्शली शेयर्ड बाय शशांक सर इन वन सेशन, एंड आई विल जस्ट टच अपॉन इट वेरी ब्रीफली. सो मार्केट ब्रेथ ऑफर्स अ डिफरेंट देन स्टॉक, ऑफर्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट अ थॉरो पर्सपेक्टिव टू एनालाइज द स्टॉक मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉरेन. एंड ओवरऑल मार्केट ब्रेथ मे मीन अ मार्केट ब्रेथ इज 80% oversold. PCR is also a market breadth indicator by the way, of some sort. Do not sell or short solely because the market breadth is overbought. What specific lines are? वहीं से ली हैं. Short term market breadth extreme overbought is a sign of initiation of bull market or a bull rally. And इसमें सबसे अच्छा भाव क्या है? Together with a simple trading scheme, this strategy substantially beats buy and hold. इसमें ये साहब को passed away in 2013. इन साहब को आपको read करना है पूरा, जो भी material online available है Martin Zwick का, अपने को सब forum में जाएं सबको पढ़ना है. इसकी books भी पढ़नी है, इसके वो भी पढ़ने हैं. He's got lot of, ये उस वक्त Manhattan की सबसे costliest penthouse था इसका, उसमें रहता. Zwick का न्यूज़लेटर 80s 90s में सबने नंबर 1 और 2 में रेट किया होगा. मार्केट विज़ार्ड्स की बुक में सबसे कॉमन जो नाम आया है कि आप किसको किसका न्यूज़लेटर या किसका वो रेफरेंस, तो दिस वाज दिस पेज. एंड ही एक्चुअली ट्रेडेड इज ऑन ऑन ही आल्सो. न्यूज़लेटर तो वो करता था, वो एक पार्ट था. एंड ही अर्न फिनोमिनल थ्रू ट्रेडिंग. उसका वन ऑफ दोज इंडिकेटर्स इज वेरी सिंपल इंडिकेटर. ही सेज अगर 9:1 एडवांस डिक्लाइन आया है होल मार्केट का आफ्टर अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ रिट्रेसमेंट के बाद 9:1 का एडवांस डिक्लाइन आया एंड दैट इज अगेन रिपीटेड विद इन 2 वीक्स बाय अनदर 9:1, इट मींस मार्केट में सुपर बुलिश मोमेंटम है. इट्स लाइक बुल हैज एंटर्ड द चाइना शॉप एंड इट इज बुल्स आर ऑन अ रैम्पेज. इसके बीच में 2 वीक्स में रिवर्स 1:1 9 नहीं आना चाहिए, बस ये कंडीशन. और उसने यूएस मार्केट से बताया दिस हैज हैपेंड ओनली बोले 10 या 12 टाइम्स और 10-12 के बाद जो 1 ईयर की रैलीज आई है वो फेनोमेनल थी. सो दिस इज लाइक वन टूल टू अंडरस्टैंड. और उसमें जो सेकंड था उसका, उसने सेकंड बोला था कि फेड का अगर फेड उसमें उसी वक्त यूज नहीं कर रही पॉलिसी की फॉर वट एवर रीजन, सो दैट इज लाइक मतलब बोलते हैं कि इट इज लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू गो ऑल इन. ठीक है, सो वी हैव अ
मार्केट बेट जो इनका था ना यूएस बेस्ड है, आप देखेंगे बहुत सारे स्टडीज में है कोटेड है, am I right sir? मार्टिन ज्विग आपने भी शायद रेफर किया होगा, तो दिस इज लाइक कोटेड एंड इट्स अ वेरी मतलब पॉपुलर सॉर्ट ऑफ स्टडी क्योंकि रेयर होती है, 7 साल 6 साल 5 साल में एक बार आती है. लॉन्ग टर्म मार्केट विद एक्सट्रीम ओवरबॉट में सर्व एज अ कंफर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग लास्टिंग ग्रेट बुल मार्केट कमिंग. ओके सो दिस इज अ फोर्थ पॉइंट. क्लियर है? लॉन्ग टर्म का उसने मतलब आर्टिकल में लॉन्ग टर्म का मतलब उसका है 3 to 6 months एंड जो शॉर्ट टर्म है वो यूजुअली 1 to 4 weeks मतलब ग्रॉसरी स्पीकिंग थोड़ा समय और मतलब उसमें वो कर सकते हैं लूज रिसर्च बट दिस इज हाउ इट इज. ओके हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 1 month में कोई भी एक बुक पढ़ी है ट्रेडिंग रिलेटेड? खोलिए पढ़ी तो छोड़िए खोलिए. गुड और दूसरा मैंने उनको बोला कि सर ऑडियो बुक में मार्केट बाजार से एक बार सुनना है, मैं वॉक करता हूँ सुनता हूँ उस दिन जो भी जिसका भी इंटरव्यू रहता है वो दिन भर वही घूमता है सुबह से चाहे वो इट्स गुड. और क्या ऑडियो बुक में फायदा है इंटरव्यू ऑडियो बुक में होता है ना इट्स लाइक 2% conversing together. So this is like, so start looking for advanced client 52 week high low Macmillan summation index train TCR all those kind of things. Yeah, advanced decline hai advanced decline jaise. Okay, kitne log pattern pinky wave ke alawa kitne log harmonic mein ABCD follow karte hain? कहाँ पीछे बैठे हो हमारे फोरम में 4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं कंटिन्यूस बेसिस पे या तो बोर करता रहता हूँ या पूछता रहता हूँ. तो हिमांशु जैसे तो रोज बात होती है सवा 3 बजे उनको पता है. नरेश सर को हर अल्टरनेट डे शाम को एक फोन जाता है या आता है उनका मतलब ऐसा ही. सुशांत सर जब भी कोई हर्डल ब्रेन में कुछ भी ऐसा है और राजू सर ओवरऑल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव के लिए ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस और ये 4 लोग मुझे क्लैरिटी देते हैं फिर मैं उसमें अपना शक्कर वक्कर मिला के अपना एक कॉकटेल बना लेता हूँ. ओके एबीसीडी अगर यूज नहीं करते तो इट्स वेरी सिंपल. पता है कितने लोगों को पता है एबीसीडी यूज नहीं कर रहे और पता है कितने लोग इलियट करते हैं? तो हाउ मच इज डेरिवेशन ऑफ इलियट वेव? एबीसीडी इज नथिंग. एक मिनट ही ले रहा हूँ क्योंकि 2 ही 4 8 घंटे थे. तो एबीसीडी इज 1 स्विंग फॉलोड बाय रिट्रेसमेंट एंड देन सेकेंड स्विंग. That's it. कोई 4 वेव 5 वेव 3 वेव कुछ काउंटिंग नहीं कुछ नहीं करना. ये पीछे भी है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप जहाँ पे प्लेस हैं उसके पहले आप देख लीजिए एक स्विंग और उसके बाद सेकेंड स्विंग. ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टैट्स हार्ड कोडेड स्टैट्स हैं वो क्या है बता देता. अगेन दिस इज फ्रॉम बल्कोस्की. बल्कोस्की की बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है जो भी चार्ट पैटर्न पे काम करता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स और एन नंबर ऑफ बुक्स. These are like Bible of stats on those chart patterns. आप head and shoulders कर रहे हो या cup and handle कर रहे हो या triangle breakouts कर रहे हो कुछ भी वो काम करता भी है कि नहीं आपको पता कैसे चलेगा क्योंकि आप record keeping तो नहीं कर रहे. तो second best option is जिसने की है record keeping उसका data आप निकालो. Right? ABCD clear है? It's a 2-leg move with a retracement in between. The larger the retracement of AB, Pinky Man, आप भी मेरे ख्याल से इससे हो करेंगे. The larger the retracement of AB, the higher the chances of CD being more or equal to than AB. DB sir के सारे retracement के रहते हैं, ठीक है? और उनका retracement is
0.786 is favorite one is, which is actually a largest retracement. 0.5 is like 3.8 and 5 are relatively less retracement. 0.786 is a, so the larger the retracement, the higher the chances of CD being equal to or more than AP. So ye ek stat aapko pata chalta hai. This works in both uptrends and downtrends. The best retraces are between 45 and 75%. 78 is like the extreme. That's it. ये एक जनरल आउटलाइन है, ये उन्हीं की वेबसाइट से, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है. सो द मीडियन बीसी रिट्रेसमेंट इज 46%. 50,000 रिट्रेसमेंट जब किए तो उसका मीडियन निकाला तो 46% आया, विच इज वेरी क्लोज टू 50 एक्चुअली. ओके, अगेन अनदर पैटर्न. सो दिस इज, किसको पता है बम्प एंड रन रिवर्सल? कुछ नहीं है, हमारे फोरम में जब मैं दिखाऊंगा तो वो समझ में जाएगा, पर मैं फिर भी उसका नाम उन्होंने जो दिया है वही मैं यूज कर रहा हूँ. सो दिस इज लाइक नंबर वन पैटर्न एज पर हिम, कि ये जब मिलेगा आपको बुलिश में तो दिस परफॉर्म्स द बेस्ट ऑफ ऑल द पैटर्न्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें 70-80 पैटर्न है. ये बेस्ट है, नंबर वन. और सिर्फ मैंने एक ही लिया है नंबर वन. चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. सो वेरी, दैट इज कॉल्ड बम्प एंड रन रिवर्सल. कुछ नहीं किया मैंने, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, एक लाइन है ट्रेंड लाइन. फर्स्ट स्विंग डाउन, सेकंड स्विंग डाउन, एंड देन अ बिग स्विंग डाउन, राइट? सो द थर्ड वन इफ इट इज अ वेरी बिग स्विंग, दैट इज कॉल्ड अ बम्प एंड रन रिवर्सल. ये उसी चार्ट के बाद ये हुआ है. चार्ट किस पे देखा? टैक्टिक. So you have one swing, two swing, मतलब जब तक attitude ठीक चल रहा है, अचानक बहुत बड़ा dip आ जाता है third में, and then if it reverses, it can create a very big bull run. And statistically, this is the best, वो also, best pattern, okay? अरे इतना comatose जैसे क्या response है? कुछ चाय कॉफी सुनवाओ कि भाई 5% वाली कहानी चालू हो गई है. This is a naam pe mujhe bahut simple hai dikh raha hai na, low swing down se third is like a deeper swing. Doctor sir, just to add, main thoda shoshan sir, aapne jaise ye bump and run dikhaya aur third swing, you know, aapne bola, I'm just linking it to Pankaj sir's, you know, RS method yesterday, right? The third one, you know, if it is, you know, 10-12 days on one side, obviously we'll expect a reversal, right? So this is how we're linking stuff right now. Yes, yes. Isko agar sir, maine jaise samjha ki there is a channel, okay, which is going on in downtrend, and the third one is a break of that down channel also. Exactly. And once it returns above that, so it's essentially a 2B of the channel line. Breach करके फिर उसके बाद उसके ऊपर आता है. And you also said low theory, you said that swing. That is another part. This pattern found when I am clear ki as per stats, if it reverses, it can create a very big bull moon. ये अपने को clear होना चाहिए. हमारे यहाँ तो रिवर्सल सभी ढूंढते हैं, बट दिस इज वन ऑफ दोस पैटर्न्स. ये मेरा है, मैंने लॉन्ग टर्म में एनालाइज किया कि क्या होता है. देयर इज अ क्लियर कट मीन रिवर्जन इन स्टॉक्स, लिक्विड स्टॉक्स, इन अ पीरियड ऑफ 3-5 इयर्स, क्लियर कट. और इसमें जो टाइम ऑफ होल्डिंग है वो 1 quarter है. सो यू, इट्स नॉट सिंपल है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, बहुत सिंपल है. जो वर्स्ट 10 अंडर परफॉर्मर्स थे उस लाइन में, उसको मैं बाई कर लेता हूँ क्वार्टर के लिए और अगले क्वार्टर में बेच देता हूँ. और ये अगर मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, दिस इज द इक्विटी कर्व, इसका रिवर्स किया है. बेस्ट परफॉर्मर्स है ओवर अ पीरियड ऑफ 3-5 ईयर्स, मैं उसको बाई करता हूँ तो अंडर परफॉर्म करता हूँ. सो देयर इज अ मीन रिवर्जन टेंडेंसी इन स्टॉक्स इफ दे आर अंडर परफॉर्मिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 3-5 ईयर्स. हमारे इन्वेस्टर्स कितने हैं? मोस्ट ऑफ देम, मतलब कई लोग करते हैं इन्वेस्टिंग भी ना, दिस वुड हेल्प देम ट्रेमेंडसली वंस दे अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस अगर आ रही है स्टॉक में, इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, एन एवरेज वुड एक्चुअली कंटिन्यू बेटर. एक बार रिपीट करेंगे सर पिछले वाला, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने इस क्वार्टर के एंड पे, अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है, मार्च एंड पे मैंने क्या किया, मैंने 4 इयर्स के जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस थे 4 साल में टॉप 10, उसको मैंने बाई कर लिया एक क्वार्टर के लिए, ठीक.
सिंपलेस्ट और कुछ है नहीं, ये उसका एक बड़ी कव है. सो यू एक्चुअली वन क्वार्टर के लिए उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है एज कम्पेयर टू अगर मैं यही चार साल के पीरियड में जो बेस्ट परफॉर्मेंस को बाय करता हूँ. दिस इज लाइक अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस आउट परफॉर्मेंस, मतलब मीन रिवर्जन होता है. आउट परफॉर्मर ओवर फोर इयर्स इज नॉट द बेस्ट टाइम टू गो लॉन्ग फॉर नेक्स्ट क्वार्टर. रिलायंस आफ्टर 9 इयर्स मीन रिवर्जन. हां रिलायंस, हां वो इसमें 4-5 भी है ना अंदर. 9 के अंदर तो 4-5 भी होगा ना ऑब्वियसली. 10, 12, 20 years कुछ भी हो सकता है, वो नहीं बोल रहा हूँ. that is a different thing. उधर मेरी भाई का multi-bagger presentation में था, वो अलग चीज़ है. I'm not talking about that. I'm talking about simple ROC over 4 years. So this would be Nifty 200 sort of? Liquid stocks. So this exercise you do before every quarter at the end of the year? Yes, why not? अरे आप सारी strategies as it is करो, बस ये देख लो कि हमारा जो stock है वो कोई extraordinary outperformance तो नहीं कर रहा है. चांसेस है कि उसको हम थोड़ा सा रिप्लेसमेंट बाय करेंगे इफ एट ऑल, या फुल ऑन नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे पोजीशन साइज से. बिकॉज़ वी नो अगर ऐसा हुआ तो चांसेस है कि वो इस क्वार्टर में नहीं परफॉर्म करेगा. अगेन दिस इज अ रिप्रेडिक्शन ऑफ ट्रेड्स और वर्स्ट वर्सेस बेस्ट किया है. बीच में कोई डिग्री कम होती चली जाएगी ना भाई, बीच का एकदम मीडियम होगा तो उसमें एक्चुअली कुछ नहीं होगा, वो बीच का ही रहेगा. दिस इज लाइक बेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी या वर्स्ट ऐसा. क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर. सरप्राइजिंगली ये टाइम सब समझ में आ रहा है ऐसा. ओके सो दिस इज लाइक मार्केट एक्सपोजर रिस्क. यहाँ पे जो एजेस आएंगी अभी, आई रिपीट, ये एजेस आपको स्टैटिस्टिकली टेस्ट करनी पड़ेगी अपने सिस्टम्स पे. ठीक है, ये एजेस अगर आपने अप्लाई किया है, मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपके रिटर्न्स डबल हो जाएंगे जो भी है जहाँ पे भी है. अगर 20% है तो 40 हो जाएंगे. वो बात अलग है कि आप करोगे नहीं, अभी जैसे दो ही हाथ टूटे. बट इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ मार्केट एक्सप्लोरेटरी पर उसके बाद के 2-3 पॉइंट्स, तो इट विल एक्चुअली क्रिएट मैजिक. ये फॉर्मूला पता है आप लोग को? क्रेडिट में रिस्क रिवॉर्ड सबको पता है, प्राइस टाइम रिलेशनशिप पता है, हम ट्रेड में जब रहते हैं तो सब पता है कि रिस्क रहता है, मार्केट एक्सपोजर रिस्क. तो दिस इज वेरिएंस ऑफ टाइम. टाइम इस केस में डेली लिया हुआ एग्जांपल. वेरिएंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ डेली इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम. ठीक है, मैं इसका मैथ्स नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो उसके लिए कम से कम 4-6 घंटे लगेंगे. I'm skipping the math completely. हमको सीधा फॉर्मूला समझो. रिस्क, हम मान लीजिए हमारा 21 बार्स तक हमारी पोजीशन ओपन रहती है. That risk is equal to 21 times नहीं होगा डेली का रिस्क का. That will be डेली का जो रिस्क है into square root of time. Square root of time क्या है यहाँ पे? Square root of? अरे square root of what? अगर 21 bars की पोजीशन है तो 21. That is my risk. तो any position आप 365 या 250 days की ले रहे हो और versus one day या 63 days, इस formula से आपको निकालना है. आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा market exposure का risk कितना है at any point of time. वो it depends on your open position duration. Clear है? ये formula नया है क्या सबके लिए? कि किसी को मालूम है? मैं तो मैं इस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है. सानिध्य को शायद पता होगा, नहीं पता? ये मैंने एक और सेशन में किया था, ये किया होगा मेरे पास में, रिस्क मैनेजमेंट में है. मैं इस स्लाइड वहाँ से डिराइव किया. ओके, इसका मैथ्स बहुत सिंपल है. आपका एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5% है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स वो वहाँ से उतना क्रैश हो सकता है. So that is the risk essentially. So if it is 2.5% of one day, then 5 days or 10 days ka maante hain ya 9 days ka example ke liye. So 9 days mein 9 into 2.5 nahi hoga aapka risk. 3 into 2.5. That is what it is. It's a square root. Sashant sir. So market risk of a monthly position is 4.58 times
मोर देन डेरिवेशन. क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 21. बाद के आगे पीछे वाले उससे क्या है, वो तो हर एक इंडिविजुअल है. Similarly, for comparison of two systems, risk average holding period can give us clues. Simple है, मेरा एक system है जिसका average holding period 10 bars और एक system है जिसका average holding period 100 bars है. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि system holding के कारण मेरा risk क्या है, despite whatever all other things being same. ठीक है, market exposure का risk है, इसका मतलब नहीं कि आप pivot हो जाओगे. This is the market exposure risk. क्लियर है पीछे? इंपॉर्टेंट है ये समझना. ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पास दो तरीके से हम वीकली में भी काम करते हैं और हम 5 मिनट में भी करते हैं. तो हमको ये चीज बताएगी कि हमको कैसे इसको बैलेंस आउट करना है. दिस इज लाइक इस पे बहुत माथाखोली की है मैंने. ओके, बहुत सिंपल सा एक वो है, एक सिस्टम है, उसका एक्सप्लेनेशन है. ये आपको मैंने बोला ना डबल करने वाली चीज ये है, ये आपका डबल करेंगे इमीडिएट. हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास इस उसमें 30 लाख रुपीज है. हमने उसको ये डिसाइड किया कि हम 10-10-10 में 3 स्टॉक्स में लगाएंगे. दिस लाइक स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग इन्वेस्टिंग. ओके, एक्स मैंने एक आइडियलाइज लिया है, ये दोनों एक्चुअल है. हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है. वो सिस्टम का वो था फोटोग्राफी, मेरे घर से क्या है लिखा नहीं शायद, लेकिन 10 या 5 दिन का या 10-10 days या 20-10 days का कुछ ऐसा हाई लेवल सिस्टम में मत है. सिस्टम ही सिस्टम ही मटेरियल है इसमें, हमको मैथ समझना है. ये उसका प्राइस था जब वो सिस्टम ट्रिगर हुआ. एक ही दिन में 5-7-10 में ट्रिगर होता है, 1-3 में ट्रिगर हुआ. एस एल ये है क्योंकि नीचे वाली लाइन जो है वो ये करके सी एम पी टू एस एल किया. ये परसेंटेज टर्म्स में हमारा एसएल कितने दिन था ये निकाल के. एक तरीका ये है कि हमारा जो लीज एसएल एफ से पोजीशन बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली ये तो पता ही है रिस्क के हिसाब से. सेकंड है कि हमने डिसाइड किया कि इक्वल करेंगे. इस सिनेरियो में क्या हुआ, हमने एसएल के हिसाब से एवरेज किया तो मेरा एवरेज एसएल आया 8.9%. क्लियर? अब ये मैंने एसएल का रेशियो निकाला. रेशियो क्या है, बहुत सिंपल है, दैट बाई दिस. ये क्लियर है? सो 0.86 ये 3 है. सो दिस इज लेसर देन ये 1.27 है. मैंने एसएल किया, एसएल के हिसाब से जो पोजीशन बनी वो ये बनी. ठीक है, 1-2-3 ये तब बनी जब मैंने 10 लाख का यूनिफॉर्म उसको मैंने इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो वो वही ये नंबर वही है. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इंटू 10 लाख वो जो कि 30 लाख से ऊपर आ रहा था तो मैंने उसको नॉर्मलाइज किया. तो दिस इज लाइक 83 का दूसरा 93 एसएल के हिसाब से मेरी जो पोजीशन होनी चाहिए वो स्टॉक एक्स में, क्योंकि एसएल कम है उसमें, ज्यादा होनी चाहिए वर्सेस ये, क्योंकि इसमें एसएल पड़ा. यहां तक क्लियर है? क्योंकि उसके हिसाब से कर रहा है. So I'm now discussing another tool which you can use in position. This is not given in any book. Indirectly volatile or low volatile stocks करके दिया, लेकिन actual position size किसी book में नहीं है कि कैसे करना है. So I have experimented it. I am doing it. It has produced magic in my returns. That's good. So मैं आपको explain करता हूँ. आपने ATR निकाला. ATR पता है सबको? Yes. Discuss नहीं करना. ये तीनों के और ये आइडियलाइज्ड है, ये मतलब एक फिक्शनल स्टॉक है. एटीआर को मैंने एटीआर परसेंट आप समझ गए, सिंपल एटीआर बाय प्राइस, तो ये परसेंटेज है. अब मैंने एटीआर का जब मीन निकाला तो 1.9 है. क्लियर? अब मैंने वही रेशियो फिर से लगा दिया उसमें, इसको वैसे कर दिया दैट मीन बाय दिस. ये नंबर लगा के ना, सो ये हायर है. तो मेरे को इससे ये क्लियर हुआ my position should be least in Hindalco because its ratio is 0.76. ये number clear है कैसे आ रहा है? Yes. ये जो है mean, इसका जो mean है, mean divided by actual and 80% of that.
So 0.76 points and 1.9, which gives me a position size. Initially, हमारा 10-10 बराबर था. Now it gives me a position size of 7.5 here, 19. Based on that, ठीक है. अब again वो 30 से ऊपर जा रहा था, उसको मैंने adjust कर दिया. तो ये 1.6. So you should, मतलब one should actually be investing this much in X, this much in investing capital grow, and this is status. मैंने बोला चलो ये भी नहीं, आज में confidence नहीं है, उसको समझ नहीं आया कि ATR पे क्यों. ATR बहुत simple है ना, अगर जितना volatile आपको उतना कम position लेना है, as simple as that. आपका Asian Paint versus आपका कोई ऐसे यहाँ वो रहेगा तो Asian Paint में ज़्यादा ले सकते हो, as simple as that. So final position adjustment क्या किया है, इसका mean कर दिया मैंने. So SL के हिसाब से, ATR के हिसाब से जो बनी उसको मैंने 1, 2, 3 क्लियर है. ये पोजीशन साइजिंग की टेक्निक क्लियर है. इसका एप्लीकेशन सिर्फ स्टॉक्स में नहीं है, आपके ऑप्शंस, आपके प्राइसिंग सब में. अगर आपके पास इंप्लाइड वोलेटिलिटी है, उसमें से आप रेशियो निकाल सकते हैं किस ऑप्शन में पोजीशन क्रिएट करनी है, कितनी करनी है, ठीक है. अब मैं इसको सर इसमें बीटा भी यूज किया है. सो बीटा इज एसेंशियली ATR ना, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड ATR फॉर बीटा. इसको मैं और बेसिक उसमें नैरो डाउन करूं, अगर 2-3 लाइनों में समराइज करूं, हमारे जो भी पोजीशन क्रिएट हो रही है, हमारा एसएल जितना पास है हम उतनी बड़ी पोजीशन कर सकते हैं. सो द क्लोजर द एसएल इज द बिगर द पोजीशन वी कैन क्रिएट. ये क्लियर है. द हायर द वोलेटिलिटी लेसर द पोजीशन वी शुड क्रिएट. सो इंडायरेक्टली लेसर वोलेटिलिटी लीड्स अस टू क्रिएट बिगर पोजीशन. तो अगर मेरे पास हाइपोथेटिकली इसको और सिंप्लीफाई करें, 10% का एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस है, एक का ATR 2 है और एक का ATR 5 है, ठीक. तो मुझे ATR जिसका 2 है उसमें 5 वाले से डबल पोजीशन होनी चाहिए, as simple as that. क्योंकि अगर वो ATR 2 मेंटेन कर लेगा तो 10% पहुंचने में उसको थियोरेटिकली 5 डेज लगेंगे, 5 वाले को 10 पहुंचने में 2 डेज लगेंगे. क्लियर. सो आवर होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल एज आवर, अब इसमें जो रिटर्न्स है मैंने बैक टेस्ट किया है, वो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, पर इट क्रिएट्स मैजिक. बट इसमें रिस्क ये रहता है कि आपको एक ही बड़ी बहुत बड़ी पोजीशन होती है. सो इफ यू हैव इस केस में 13 लाख है तो एक में शायद आपको 18 लाख की पोजीशन होती है. एंड एक्चुअली दैट इज द वे टू वर्क, दैट इज द वे टू वर्क एक्चुअली. इफ यू वॉन्ट टू मेक डिसेंट लोन यू हैव टू स्क्यू योर पोजीशन लाइक दिस, क्योंकि रिस्क बराबर है एक्चुअली. रिस्क बराबर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ऑड्स के लिए, हम अपने जो परफॉर्मेंस के लिए जब वो वर्क कर रहे हैं तो हम किस तरह से कर रहे हैं. सिर्फ डेमोक्रेटिक वे में, कम्युनिज्म में देखा है ना आपने, इनोवेशन जीरो होता है, ना कोई अमीर हो पाता है ना इनोवेशन होता है, ठीक है. सबसे बड़ा इनोवेटर्स यूएस में क्यों है या सबसे रिच लोग क्यों है, इट्स वेरी सिंपल कि वो स्क्यूइंग होती है. तो दिस इज लाइक अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट. इसको आप समझे या नहीं समझे, इसको आम भाषा में अगर आपकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपकी पोजीशन कम होनी चाहिए, आपकी वोलेटिलिटी कम है तो पोजीशन ज़्यादा होनी चाहिए. I think what we are doing is actually optimizing the reward by yes. actually equalizing our risk. Yes. And actually that's the best way to create a position. आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब अगर आपके पास बैंक निफ्टी के ही दो ऑप्शन या निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो, इफ यू नो किस में वोलेटिलिटी हो सकता है, निफ्टी में आपका अगर एसएल पास है या वोलेटिलिटी कम है तो निफ्टी में दो लॉट में होगा, वो बैंक निफ्टी में एक लॉट में होगा थियोरेटिकली स्पीकिंग. हो सकता है शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है परफॉर्म क्योंकि वोलेटाइल, लेकिन जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे तो वो 2-1 का जो रेशियो चलेगा, मैं जस्ट थियोरेटिकल बता रहा हूं, इट विल क्रिएट मैजिक. You get a dramatic difference in your earnings. Okay? चले आगे? एक question. Clear? एक question. जी सर. ये at a time आपने तीन position की बात की, लेकिन most generally तो position अपनी मतलब portfolio wise गिनेंगे तो progressively बनती है आज एक या दो. तो ये entry होगी. Yes. मेरे पास दो stock हैं जो आज मुझे लेना है. उनमें तो मेरे पास एक्स अमाउंट पड़ा हुआ है और उसको दो में डिवाइड करना है. मैं कैसे डिवाइड करूं,
50-50 करूं क्या करूं, ये उसका मतलब क्लियर, नई पोजीशन क्रिएट, दिस इज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोजीशन, यू कैन एक्चुअली डू इट फॉर एडिंग ऑन टू योर पोजीशन। मान लो आपके पास एक्स्ट्रा फंड आया, आपके पास 10 स्टॉक ऑलरेडी है, आपको या तो एक एक बराबर कर दो, हाउ विल यू गो अहेड एंड डू इट, सो दिस इज द मेथड भाई, एक में आपको 10 में से 5 लाख एक में लगा देना है, बाकी 1 लाख बाकी 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिस्क बराबर है, इसमें रिटर्न्स बहुत ड्रामेटिकली ऑल्टर होगा। This is so the bigger the asset, the bigger the position size and vice versa. Clear? इसको मैं summarize कर रहा हूँ। The smaller the ATR percent, the bigger the position size, and vice versa. We can average the book too as well. This is just an idea. Please free to tweak and experiment. ये आप अपने हिसाब से करिए। ये just an idea. क्या volatility को position sizing में कैसे use करते हैं? There is a method called target volatility in portfolios. जिसमें वो पोर्टफोलियो की टारगेट वोलेटिलिटी मेंटेन रखता है और वो मैसिवली आउटपरफॉर्म करता है वो पोर्टफोलियो एज कंपेयर टू अदर पोर्टफोलियोस, अदर पोजीशन साइजिंग टेक्निक्स जो पोर्टफोलियो के लिए होती है, इससे क्या होता है ह्यूज यूज है ये, मतलब इतनी बड़ी है जो मैं बता रहा हूँ, तो अगर इस सेशन से कुछ भी नहीं जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस से, तो इफ यू अप्लाई जस्ट दिस यू कैन डबल ट्रिपल योर रिटर्न्स वेरी फास्ट, अगर 10% है तो 30% होना ही है, उसमें पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कॉन्सेंट्रेशन की, उसकी साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो आ गई एक बार तो फिर आप नरेश सर आगे बढ़े। ऑलवेज अंडरसाइज इफ एनी कंफ्यूजन, आपको लग रहा है नहीं 18 और ऐसा हो रहा है, 3-5 लाख कम कर, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रखो हमेशा, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते लास्ट दो स्लाइड है, और ये मैं बोल रहा हूँ दिस इज लाइक अगेन डबल करना है अपना पोर्टफोलियो एक साल में, तो ये और कोई तरीका नहीं है, तो दिस इज बाय डर्क वैंडाइक, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैंने सुशांत सर से पूरा वो मंगाया था एक बार, उनके दो आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, फिर मैंने उनसे मंगाया, फिर उसको आरएनडी कर रहा था, दिस इज अ वेरी यूनिक ट्रेड, इसके कंसेप्ट बहुत अजीब है, मैं मतलब इतना पढ़ने के बाद भी मुझे बहुत अजीब लगे, बहुत नए लगे, इसको हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं 2 मिनट, फिर अगेन वी विल कम टू व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल। सपोज वी आर ऑल इन्वेस्टर्स हियर, एक स्टॉक ऑल टाइम हाई पे और हम बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे फॉर व्हाटएवर रीज़न, एक कल दीपक भाई से यही बात हुई थी, इफ एन स्टॉक इट इज एन ऑल टाइम हाई एंड वी आर ऑल इन्वेस्टर्स इन दैट, हम सबका क्या होगा? सो एवरीबॉडी इन दिस रूम वुड बी एक्चुअली मेकिंग मनी अगर हम बाई सेल नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, हर आदमी जिसने कभी भी इन्वेस्ट किया वो एक पैसा भी पहले किया वो भी पैसा बना रहा होगा, क्योंकि एटीएच पे वाइस वर्सा हम ऑल टाइम लो पे आते हैं अगर हम इन्वेस्टेड और बाहर नहीं है, तो हर वो आदमी जिसका पैसा लगा है कभी भी दे आर लूजिंग मनी, तो यहां क्या हुआ, अगर आइडियलाइज सिचुएशन है 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज एट ऑल टाइम हाईज एज पर इन्वेस्टमेंट, 100% of losing money is at all-time lows. Clear है? यहाँ पे सबको clear है? अब जब मुझे पता है भाई कि मेरी probability 100% है यहाँ पे, what should I be doing now? Actually, I should have been buying right now at all-time highs. मेरी probability 100% है भाई, अभी history से आ रहा है। और उधर मेरे को 0 लगाना, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री बता रही है कि हर आदमी का पैसा डूब गया है। अगेन इसको रिड्यूस करेंगे कैसे करेंगे वो आपको समझना है, 52 की हाइज में 1 ईयर की सेम थ्योरी लगेगी, 3 मंथ्स में वो उस तरह से लगेगी। सो एसेंशियली क्या हुआ इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ये हुआ कि अगर आप विनर्स पे ऐड करते जा रहे हो थ्योरेटिकली और लूजर्स को कट करते तो क्या होता है, तो ये उनका आइडियलाइज पोर्टफोलियो, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स की परफॉर्मेंसेस है, इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया अपने पोर्टफोलियो में से, जो वर्स्ट परफॉर्मर था उसको बेस्ट में पैसा लगा देते हैं, रैंडम कोई सिस्टम भी नहीं है, सिर्फ ये किया कि मैं वर्स्ट को बेस्ट में लगा देते ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, स्टिल इट बिकम्स वन स्टॉक एंड देन रिपीटिंग सो ऑन एंड सो, दिस एक्चुअली आउट परफॉर्म दिस बाय एवरी ईयर बाय 2%। यूएस में
इतनी लेम सिस्टम से 2% से बीट करना ऑन अ नॉर्मल सिस्टम इज ह्यूज. सो ये देखा है आपने सबने. टाइम है अभी कमल, आई विल फिनिश इन 5-3-5 मिनट्स. हॉर्स बेटिंग है हमारे स्टॉक्स के मूवमेंट्स भी. आप ये मान के चलिए हम जहां भी एंटर करते हैं टू ऑल टाइम हाइज या टू ओवर टारगेट्स, उसको एक हॉर्स रजिस्ट्रेशन होनी है. आपको ये नहीं पता कि आज किस में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास एक स्टॉक ऐसा है जिसमें 100% प्रॉबिलिटी रही है विनिंग की, एक ऐसा है जिसमें 100% प्रॉबिलिटी रही है लूजिंग की, और मैं तो 100% लूजिंग वाला ही हूँ क्योंकि वो 500 का 25 हो गया है. क्लियर है? क्लियर है? That is a simple fodder for underperformance. क्यों? हमारी probability highest कब होती है? अगर horse race में हमको betting allow है, suppose 10 rounds की race है, तो पहले तो हम ये करेंगे कि पीछे के data निकालेंगे horses के, भैया जो best perform कर रहा है पिछले 10, 20, 50 race में, उसी order में हम betting कर देंगे. That is the most intelligent system. हमको ये भी option है कि हम हर round के बाद betting change कर सकते हैं. Suppose, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, फर्स्ट राउंड के बिना मैं ऐड करेंगे. मैं ये नहीं कहूंगा कि यार भैया जो बर्स्ट परफॉर्मर है उसमें बेटिंग साइज अच्छा मिल रहा है, ऑड्स बेटर मिलते हैं. मालूम है ना जो बर्स्ट होता है उसमें ऑड्स 1:10 मिल, प्रोबेबिलिटी 0 है, आप समझिए. और हर मूवी से 1:10 नहीं लगाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी से उसको मतलब ही नहीं है. सो एंड इफ वी कीप ऑन रिपीटिंग, हमारा 9th राउंड पे ये चल रहा है प्रोसेस, तो हमारा 9th राउंड पे बाय थ्योरी बाय सम मींस हाईएस्ट पोजीशन होगी लूजर को, प्रोबेबिलिटी लूजर को, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विद हाईएस्ट बेट साइज किस पे होगा? नहीं विनर पे, विनर लूजर पे लग रहा है, विनर पे. हर राउंड के बाद बढ़ा रहा है ना बेट, दैट लूजर वी आर गेटिंग. सिमिलरली जब ट्रेंड चल रहा है या फिर टारगेट इधर बढ़ा, अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है एंड देन इवेंचुअली This is what happens. सबसे सर्टेन आउटकम हमारे ट्रेड का या जो भी रहता है वो कब रहता है? Just like horse. अगर हमको बेटिंग अलाउड है, इट द लास्ट मिली सेकेंड, क्योंकि हमको पता है यहाँ से यही हो सकता है, मतलब हार्डली. पर बेटिंग का ऑप्शन नहीं है ना, ये राउंड हॉर्स में राउंड 10 का लास्ट मिली सेकेंड है, इसमें सर्टेन रहेगा आउटकम ऑलमोस्ट. सिमिलरली राउंड 9510 इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी, जैसे जैसे हम दूर हो रहे हैं थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ रही है. भाई जीरो पे हमको काफी अनसर्टेन है 10 कौन होगा, लास्ट मिली सेकंड पे मैक्सिमम सर्टेनिटी है. सो ट्रेड बेट का क्या है? मोस्ट अनसर्टेन से हम कहां बढ़ते हैं? मोस्ट सर्टेन की ओर बढ़ते हैं. हमारे लिए अनसर्टेनिटी क्या है एज अ ट्रेडर? मान लीजिए हम एक स्टॉक से 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट अनसर्टेन आउटकम कब है? भाई जिस दिन हमने पहला पोजिशन क्रिएट किया है. As simple as that. जब वो 9.5 या 9.9% हो गया या 9.99% हो गया, तो most certain है कि हम best touch हो जाएगा probability wise. हम उसको कैसे use करें? Just like this horse race, similarly we are going to use it in our favor to create magic in our portfolios. Increase position size as trade in favor and vice versa. ये मैंने psychology को उसके ये पता है सबको. ये जैसे कि हम और सब बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी there's nothing new. But इसको कैसे understand करना है? Increase position as trade moves in favor and vice versa. Means we are increasing our bets on the horse which is actually leading in front of us. By 5 mein lagaya, aise karte ja rahe hain. And this is what is happening now on a continuous basis. Sir, position size naturally badh rahi hai na, matlab per bet to nahi increase kar rahe hain. Nahi, aap kuch bhi kar sakte hain. Main kya, the point is that stock will is outperforming, wo aapko already pata chal raha hai na. भाई अगर जीरो पे सब स्टॉक्स हैं 10 के 10 और 10% हमारा टारगेट है सब के सब में, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं, तो हमारा जो जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें पोजीशन बढ़ा रहा है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट टू 10%. बट इस केस में सर आइडियली तो सेम बेटिंग साइज होना चाहिए ना हर राउंड पे. फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स अमाउंट है, नहीं सेम बेटिंग, हां वो सी पिरामिड की मैं बात ही नहीं कर रहा कि एक्स पे कर रहे हो या 2x 3x कर रहे हो कि 0.5 कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट. हम उसमें बेटिंग इंक्रीज कर रहे हैं बाई व्हाटएवर डिग्री वी वांट, हमारे पास जो अमाउंट प्लस जो उस पे है उसके बेसिस पे. इसमें कैच क्या है?
उसमें कैच है कि मैक्स विजन नॉर्मलाइज वेरी फास्ट एंड एडवर्स मूवमेंट हैपेंस. आप बेट करते जा रहे हो, सडनली एडवर्स मूवमेंट आता है, यू हैव टू ड्रामेटिकली रिड्यूस. तो जो 30 लाख से आपकी पोजीशन मान लीजिए 18 लाख हो गई है एक स्टॉक में, उसको इमीडिएटली 5 लाख लाना है एक ही दिन में. आप अगर आपने सोचा या कुछ भी आपने उसमें मैथ्स लगाई, यू फेल्ड इट सी. तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. द मैक्स इसमें मैंने वो एसिमेट्रिक टीम है, मैक्स एसिमेट्रिक पोजीशन नॉर्मलाइज वेरी फास्ट इफ एडवर्स मूवमेंट, क्योंकि वो हॉर्स ने सडनली 8 राउंड पे फर्स्ट रहा है और सडनली 6th हो गया है 9th राउंड में सपोज. अब आपको तो एंकरिंग हो गई ना 8 राउंड से, यहां पे एंकरिंग का कोई रोल नहीं है भाई, 9th में जो है उसको कर दो खत्म. इट हैज टू बी अल्ट्रा फास्ट. इसमें सर जो इन्होंने थ्योरी दी है उसमें टॉप फ्यू हॉर्सेस पे करने के लिए बोला है, बिकॉज़ अगर हम हमेशा फेवरेट्स पे ही करते रहेंगे तो कभी कभी ये होगा कि पता चला जो कभी भी फेवरेट नहीं रहा है वो तो होना ही है, जब भी विनर बनेगा वो तो 1:30 दैट विल परफॉर्मेंस 1:30 ना. सपोज अगर थर्ड पे भी जो चल रहा है एंड उस पे हम नहीं बैट कर रहे हैं किसी भी राउंड पे, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली फर्स्ट पे कभी आया ही नहीं, एंड वो इवेंचुअली अगर विन करता है देन नहीं, इसका इसका आंसर बहुत सिंपल है. अगर वो 8th राउंड में सपोज 8th राउंड का गैप पे एक फर्स्ट कंसिस्टेंट रहा, 9th राउंड पे सिर्फ इफ 8th वाला फर्स्ट आ गया तो आपका पोजीशन स्वैप होगा फास्ट. सारे बेट्स नहीं लगाओगे आप वहां पे तो 8 के लिए, बट यू बेट इट. इसमें प्रोबेबिलिटी का वो सर एक बहुत सिंपल है, मैंने तो स्टॉक्स में बहुत डीपली देखा है कि 7 out of 10 टाइम्स जो विनर है वो विनर रहता है. वो 3 बार जब होगा तब आपको एडवर्स में तो आपको तुरंत पोजीशन कट करनी एंड देन यू हैव टू नॉर्मलाइज योर बेट्स भाई. तो अगर लैगार्ड है सपोज तो 0 से चल रहा है तो वो 1% ही ऊपर हुआ है ना डे 3 के बाद, बाकी तो 9 और उस पे है. तो अगर वो 1% ही ऊपर हुआ है तो आपके सभी भी बहुत बड़ा मार्जिन है ट्रेडिंग में, यू विल एक्चुअली एंटर. अगर वो 1 के बाद सीधे 5% होता है तो देन यू मूव हियर. इंडेक्स का जो फिलोसफी है ना आपने बताया ना, एकदम सिमिलैरिटी के साथ यही काम करता है, क्योंकि जो स्टॉक बढ़ रहा होता है उसका वेटेज अपने आप बढ़ता चला जाता है. और जो इनका पॉइंट था कि कोई स्टॉक है जो एकदम मतलब एकदम वो जो सबसे पीछे वाला घोड़ा था, तो जैसे ही वो टॉप 50 में आया अपने आप ही वो वेटेज आ गया, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो ही जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो गया. और सर इसमें व्हाट शुड बी द जनरल टाइमलाइन फॉर रिव्यू, लाइक से व्हाट इज देयर रैंक, you see this horse is second or third. Daily. You can go for weekly or month, 1 minute. Whatever you are doing, in your whatever instrument you are doing. It depends on the instrument. Have option to carry or option chal raha hai or option nahi chal raha. This is for investment I am asking. This is I review daily. You can do end of the week. आपने week to week देख लिया जो worst और best performance है, आपने decide कर लिया Monday को इधर से 5%. पूरा कुछ नहीं करना है, हम 5% इधर से कम करके 5% तक लगा, दैट्स इट. इट्स अ माइंड ट्विकिंग ईयर थिंग, बट इट विल एक्चुअली एनहांस योर रिटर्न्स ड्रामेटिकली. सो रिपीटिंग दिस प्रोसेस बाय शेयर चांस में कैप्चर बिग फास्ट मूवर्स. अब क्या होगा, आप ये करते जा रहे हैं, सडनली आपका स्टॉक क्या करता है, सडनली 4 या 5 सर्किट लगा देता है ऑल ऑफ अ सडन, आपका काम हो गया एक्चुअली. और ये इसी प्रोसेस से है, क्योंकि आप विनर्स में ही जोड़ कर बनाना है, और लूजर्स में जोड़ोगे तो वो नहीं आने वाला, प्रोसेस ही नहीं है. तो दिस इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ टू थिंग्स, वन लिमिटिंग योर ड्रॉडाउन फॉर योर मनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड इफ यू आर एडिंग बाय चांस यू मे कैप्चर फास्ट मूवर्स. सर एक्चुअली दिस मेथड गोज टू द बेसिक्स ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग, व्हाट यू आर सेइंग, हां जस्ट यू आर एडिंग टू योर विनर ट्रेंड में. अनुराग कश्यप की हर मूवी में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जिसका कोई मूवी से लेना देना नहीं होता. मनमर्जी में क्वींस हैं जो हर सॉन्ग में आते हैं, उनका नहीं मालूम क्यों, देवडी में वो क्लब में गाते रहते हैं, वो कौन है नहीं मालूम, मूवी में मेंशन नहीं. गुलाब में एक नीले रंग में आता है, वो क्यों है क्या है नहीं पता. दिस इज माय इंटेलिजेंस, ये क्यों है ये भी मुझे नहीं पता यहाँ पे, पर है. इसको आप रिपीट करेंगे तो दिस इज द वर्ड, मैंने बोला ना इस साल के 2 वर्ड्स हम यूज करेंगे, तो दिस इज वन वर्ड. वेरी स्विफ्ट शिवाजी करते थे गोरिल्ला वॉरफेयर जैसे ही, वेरी स्विफ्ट शार्प अटैक एंड देन यू रिट्रेस टू नॉर्मल, आराम करो.
ये हाइपर मोड बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, आप इसी को रिपीट करते जाओगे लगातार तो एक बहुत जबरदस्त इक्विटी कर्व बनेगा एक सम पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा सर मैक्स पोजीशन इज नॉर्मलाइज वेरी फास्ट इफ एडवर्स मूवमेंट हैपेंस, दैट्स इट। नहीं नहीं वो कोई रोल नहीं है सर, आपके सिस्टम के एसेल्स तो वैसे ही हैं। ओके आपका सिस्टम का एसेल है, आपकी हर चीज, आप सिस्टम का एसेल तो कभी भी बाईपास नहीं कर रहे, वो आप रिस्पेक्ट कर ही रहे हो। एंड अगर आपके इसमें एक्स क्वांटिटी की जगह 5x हो गई है स्टॉक में, जैसे एडवर्स मूवमेंट आया इमीडिएटली एक्स पर रिड्यूस कर देता था। आप चूंकि बार बार ऐड कर रहे तो 4x का आप एक्स का लॉस नहीं लोगे, ये पोजीशंस आर एडेड डिफरेंट लेवल्स, देयर विल बी सम ऑफसेटिंग, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर है सर? अगर बेस्ट स्पिनर्स में ऐड ऑन करते जाएंगे तो ओवरवेट नहीं हो जाएगा वो स्टॉक? वही करना है, वही करना है। एक्चुअली हमारा गोल यही है, हमारा गोल एक वो स्टॉक है जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, हम वो नहीं कर सकते ड्यू टू आवर रिस्क कंस्ट्रेंट। तो एटलीस्ट 5-10 ऐसा हमारे पास, मेरी थ्योरी में 10 में से 3 में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेट होती है, 7 में नॉर्मल बेट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होती है, तो 20% का पोर्टफोलियो दैट्स इट, उससे ऊपर नहीं जाता। बट उसे एग्जिट आप स्टेगर्ड करेंगे कि कंप्लीट एग्जिट मार देंगे? नहीं, सिंस आई हैव 3 काइंड ऑफ एसेट्स, मेरे पास 3 तरीके के एसेट्स हैं, ठीक है? तो फर्स्ट एसेट पे मैं उसको इमीडिएटली नॉर्मलाइज कर दूंगा, फर्स्ट एसेट पे उसको 1/3 नहीं करूंगा, इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब हाई पोजीशन, फिर उसके बाद नॉर्मल पोजीशन पे जो भी करना है। मैंने एक्चुअल ट्रेड्स नहीं डाले सर, इसलिए नहीं डाले क्योंकि देयर वाज अ रीजन टू इट, वो बहुत ड्रामेटिक लगता है, इसलिए मैंने एक्चुअल ट्रेड्स नहीं डाले, और उनके स्टॉक्स रिवील करने का मतलब नहीं है सर। बताइए ना, देखिए एच के सर ने इससे सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ इन पॉइंट्स पे मेरा, इसको कैसे समझे? ये जब अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मतलब पोजीशन साइज वगैरह हो रहा है ना, इसको रियल लाइफ एग्जांपल में आप लेंगे ना, हाईवे पे गाड़ी चला रहा है, ठीक है, सभी बहुत सारे लोग आए 400-500 किलोमीटर ड्राइव करके, 5 या 6 बार ओवरटेक किया होगा, जब ओवरटेक कर देना बहुत शॉर्ट समय के लिए बहुत हाई साइज होता है, RPM स्पीड सब कुछ हाई होता है बहुत शॉर्ट समय के लिए, वो वहाँ वो चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, गाड़ी चल रही है, आपने ओवरटेक किया, अब जो बहुत फास्ट नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं ना, आप आगे गए, आप देर और आपने देखा रहेंगे उधर से पहला से नीचे है, बहुत फास्ट होता है, और वो क्योंकि हम लोग ड्राइव करते हैं तो हमारे इंस्टिंक्ट में आ गया है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, जैसे ही आपने देखा वेग क्लियर है, अच्छा बहुत सारी पोजिशन ऐड करके आप फटाक से आगे निकल जाते हैं, और अगर जरा सा ऐसा लगता है कि अरे नहीं रिस्क है, तक से बहुत तेजी से नीचे आते हैं पीछे और थोड़ा पीछे आते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने आपकी पोजीशन 5x 10x हो गई है और सडनली आपको लगा कि नहीं यार ये उधर नहीं जा रहा है जिधर मैं सोच रहा था, इमीडिएट पहले स्टॉप पे आप उस पार्ट को कनेक्ट किया होगा, ये वैसा है एग्जैक्टली। अविनाश सर इसको अगर मैं एग्जांपल में दूं, राजा जी आपको ट्रेड चाहिए था, उन्होंने लिखा था x 3x 21x, यू रिमेंबर दिस वाज व्हाट उनके टाइम फ्रेम में यही चीज हो रही थी एट द ब्रेक ऑफ दिस एट द फिर रिमेंबर and immediately फिर बोलते हैं और 50% and 90% questions covered हैं, याद है आपको? Yes. जनों ने messages देखे हैं तो this is what he has done, मतलब उनके time frame में हम अपने time frame में leisure नहीं कर, without any leverage of all those things. So these are 8 points. So round number आपको पता है order placement कैसे करना, market price indicators आपको देखने हैं, रिट्रेसमेंट ABCD जो करते हैं उसमें आपको पता है कि द बिगर द रिट्रेसमेंट द हायर द चांस ऑफ इट बीइंग मोर देन एबी, ब्रेकआउट पैटर्न हमको पता है भाई PIR और सिंपल मीन रिवर्जन 4 ईयर्स का आपको बता दिया है, मार्केट एक्सपोजर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम आपको क्लियर है, एसिमेट्रिक पोजीशन साइज, ये लास्ट के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग रिलेटेड, एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोस थिंग्स कि हम इसके बाद देने का कुछ बचा नहीं हमारे पास एज ऑन दिस, एंड दिस इज लाइक what has helped me a lot. हम इसको end करेंगे with my favorite animation. So this is what it is. कोई बता सकता क्या ये? Thank you. Arigato gozaimasu. Arigato means thank you. In Japanese. Japan जाना है एक बार. This is a character from my favorite series anime.
since we are in a conference, it should be arega to gozaimasu. कुछ मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो यही सुना है. This is the only word I understood in that. This is from Demon's Lair. और उसको despite all odds, मतलब उसके against जो odds दिखाए हैं, सामने बहुत बड़ा डिमन है या कुछ है, हथियार नहीं है, टूट फूट गया, he never gives up. Every demon says कि यार ये ऐसा कैसा है, जबकि बहुत ही low grade का warrior है. He's not the best of them. मैंने लिखा भी है कि इसको एक बार देखना है, जिसके पास Netflix है, please visit this. He's got all the philosophy of life, trading and everything. It's a master, and artwork is beyond what we have ever seen in our lives. ठीक है, thank you so much.